मेरा पहला रियलिटी शो होगा जो मैं होस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का। आई फील ऑनर्ड कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा है कि मैं इतनी बड़े शो को और इस तरह के कॉन्सेप्ट को रिली शो कर रहा हूँ। उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जिसका नाम है वनराज। एज अ कैरेक्टर नहीं, मैं एज सुधांशु पांडे उसमें आऊँगा। उम्मीद यही थी कि पठान चल जाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छी सुपरहिट फिल्म की बहुत ज़रूरत थी, और शाहरुख खान भी बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से एज अ स्टार बहुत ज़रूरी था। सीरियल अनुपमा फिल्म सुधांशु पांडे अंधेरी में स्पोर्ट किए गए हैं। उन्होंने अपने नए रियलिटी शो के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सो हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू। थैंक यू। आज हमें पता चला है आप एक मीटिंग करने आ रहे हैं, एक आपके फर्स्ट रियलिटी शो होस्ट करने जा रहे हैं, उस मीटिंग के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या सीक्रेट है, क्या सरप्राइज है लोगों के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे पता नहीं कि मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं शो के बारे में अभी बताऊँ ज़्यादा या डिटेल में जाऊँ। मुझे अभी ये पता नहीं है कि मुझे इजाज़त है कि नहीं, पर मैं इतना बता दूंगा कि हाँ, जैसा आपने बोला, मेरा पहला रियलिटी शो होगा जो मैं होस्ट करूँगा, जिसका दारमदार पूरी तरह से मेरे कंधों पे होगा। और मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन हम लोग ये शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है हमारी, वो इससे बहुत ही गहराई से जुड़ेगी, और बहुत हम लोगों को इसका अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, ऐसा मेरी उम्मीद है। ये अतरंग, अतरंग के साथ कोलैब है सर? जी, अतरंगी के साथ ये कोलैब है, और बहुत ही उनकी फैंटास्टिक क्रिएटिव टीम है जो इस पे काम कर रही है, और मैं आई फील ऑनर्ड कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा है कि मैं इतनी बड़े शो को और इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने कंधों पे लेकर आगे बढ़ सकता हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इस चीज़ का। आपके टेलीविज़न कैरेक्टर से आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, टेलीविज़न कैरेक्टर एक तरफ और किसी शो की होस्टिंग एक तरफ, सर दोनों में डिफरेंस और आपको? ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हम जैसे मैं ये डेली शो कर रहा हूँ उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जिसका नाम है वनराज, वनराज शाह, और जब रियलिटी हम लोग होस्ट करते हैं तो हम एज अ कैरेक्टर नहीं, मैं एज सुधांशु पांडे उसमें आऊँगा, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उसमें हम लोग रियल लाइफ लोगों से मिलते हैं, रियल लाइफ बातें करते हैं, रियल टाइम में करते हैं, और शो में हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं। आपके शो के बारे में सर बताइए, आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न होने वाले हैं? ये आगे के ट्विस्ट एंड टर्न्स तो मुझे खुद नहीं पता रहते हैं, राइटर्स को भी नहीं पता रहते हैं, क्योंकि वो लोग जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे वो लोग आगे के ट्रैक डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग को भी बहुत ही ऑन द स्पॉट ही चीज़ें पता चलती हैं। सर आपका रिएक्शन क्या रहेगा पठान की रिलीज को लेकर, जिस तरह से बिग स्क्रीन पे काफ़ी लोगों को अच्छी लगी? देखिए, मैंने अभी पठान देखी नहीं है, बट मुझे उम्मीद यही थी कि पठान चल जाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छी सुपरहिट फिल्म की बहुत ज़रूरत थी। पैंडमिक के बाद से बहुत बिजनेस ऊपर नीचे हुआ है, प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं यही चाह रहा था कि पठान एज अ फिल्म चल जाए, और शाहरुख खान भी बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से एज अ स्टार बहुत ज़रूरी था कि उनकी फिल्म चल जाए। आगे किस तरह की, इसके अलावा कुछ अपकमिंग आपकी? हाँ, एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं, बहुत जल्द उसके बारे में बताऊँ। You want to say something for the audience at the end? I would like to say, please keep giving Vanraj Shah all the love that you have been giving, and please keep giving your love to Sudhanshu Pandey also, which you have been giving, but also I would reciprocate with a lot of entertainment and some good reality stuff very, very soon. Thank you.